हेलो एवरीवन, आप लोगों को SVN क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करती है सिकंदर सर के द्वारा। जैसे कि आप लोग का बहुत भरा प्यार मिला आपको इससे पहले वाले वीडियो में, हिंदी के इस नौबत खां के इबावत के बाद हम लोग आज चलेंगे आज फिजिक्स की दुनिया में, जो कि प्रकाश के परावर्तन, इन चैप्टरों के जो वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं हम लोग के समक्ष, इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके समझेंगे और इनके द्वारा कुछ प्रमुख तत्व को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच। तो देखिए, आप लोगों के समक्ष में एक क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन एक नंबर में जो दिया गया है वह हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है इस प्रकार से कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा है कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ वक्रताकार एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। कहने का इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास जो दर्पण है, इन दर्पण का जहाँ से इसका गोल हुआ है, ठीक है, वक्र हुआ है, इसकी सीमा रेखा क्या कहलाती है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक है कि मुख फोकस कहलाती है, दूसरा है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाता है, यह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये हम लोग को दिया गया है। तो आपका इनका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हम लोग का जो एक नंबर क्वेश्चन है वो आराम से हम लोग समझ पाए। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार से, दूसरा नंबर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। मरीज मतलब होता है बीमार, जो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, नहीं, वह मरीज कहलाता है। वह कौन सा बीमारी है? इसके पास दांत वाला बीमारी है। चलिए, तो दांत वाले डॉक्टर जो होते हैं, वह जो रोगियों का दांत देखते हैं, वह किन दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या इनमें से सभी का? तो आपको पढ़ाने के क्रम में बताया गया था कि डॉक्टर साहब जो रोगियों का दांत देखते हैं ना, वो बड़ा करके किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। आपका बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। कहने का मतलब है, बीम यहाँ जो दिया गया है, बीम का मतलब होता है कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो आवर्धन का मान बताया जा रहा है वो ऋणात्मक बता रहा है। तो ऋणात्मक प्रतिबिंब यह बताती है कि यह, इसका जो ऑप्शन दिया गया है, हम लोग को पहले ऑप्शन समझ जाते हैं, वास्तविक और उल्टा बनाता है, देखिएगा, दूसरा वास्तविक और सीधा बनाता है, आभासी और सीधा बनाता है, आभासी और उल्टा बनाता है। तो पढ़ाने के क्रम में हम जो आपको बताए थे, याद रखे होंगे कि ऋणात्मक प्रतिबिंब जैसे बात आ गया तो हम कहेंगे कि वह उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर है ए, वह करेक्ट होगा। ए इसका सटीक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर तीन का। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चनों का जो सिलसिला है बढ़ता हुआ आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहने का मतलब है, हम लोग को जो दिया गया है ऑप्शन में, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं तब सॉल्यूशन करेंगे। कहता है कि 8 सेंटीमीटर या तो फिर -8 सेंटीमीटर या
प्लस 16 सेंटीमीटर या माइनस 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने जो जान रखे हैं, क्या रखे हैं जान के भाई, कि उत्तल दर्पण का जो फोकस का मान होता है वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। जब धनात्मक होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ हम लोग को आर का मान दिया हुआ है। आर का मान कितना है हम लोग के पास? आर का जो मान है वो हम लोग के पास है 32 है। कितना है? 32 दिया गया है। तो 32 जो दिया गया है तो इसकी जो आधी होती है फोकस, तो दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16, वो भी धनात्मक में। क्यों? क्योंकि उत्तल का जो होता है फोकस का मान वो धनात्मक में होती है। चलिए, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन टच कर गया? वो आपका टच जो किया सी नंबर ऑप्शन। कौन सा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों का जो आगे का क्रम है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरह से समझ पाइएगा। अगर आपकी थोड़ा सा भी इधर उधर गया कि क्वेश्चन गया, चलिए क्वेश्चन है हम लोग का, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम क्या है भाई? कि आई बराबर, ध्यान से, आई बराबर जो होता है वो क्या होता है? आई बराबर आर होता है। आई बराबर आर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हम लोग का ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में जो दिया गया है उसके ऑप्शन को देखते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण, और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और विचलन कोण, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो ऑप्शन देख रहे हैं वह ऑप्शन में देखिए कि क्या है। ऑप्शन में तो सटीक से पहला ही मिल गया कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर है, अर्थात आई जो है हम लोग का आर के बराबर होता है। नहीं तो चलिए, हम लोग का जो क्वेश्चन है हम लोग 5 नंबर को समझ पाएँ। अब आता है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर जो प्रश्न है इसको देखिए, कहता है हवा या निर्वात, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है हवा और निर्वात में। 2.998 इंटू 10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में, और निर्वात में 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, जब सॉल्यूशन करते हैं तो आप इसी का मान लेकर के सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग का जैसा ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। पहला नंबर देखिए क्या है, 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकेंड है। दूसरा नंबर में है 3 × 10^8 सेंटीमीटर है, और अगला है 3 × 10^8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और चौथा जो दिया गया है 3 × 10^8 मिलीमीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया था कि इसका एक सेकेंड में इतनी दूरी तय करती है, 300,000 मीटर प्रति सेकेंड तय करती है। नहीं तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चनों का जो सिलसिला है वह देखिए आगे। क्वेश्चन 7वां नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, पूछ कहा है ये कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, लाइट वेव किसका एग्जाम्पल है? लाइट वेव जो है ये किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो आपको बताना है, यह जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन को देखिए। पहला नंबर ऑप्शन है ध्वनि तरंग, दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो देखिए क्या है, दूसरा नंबर ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, तीसरा है प्रावेगनी तरंग, और चौथा है प्रास्रव तरंग। इसमें नरंग लिखा गया, तरंग होता। ठीक है, चलिए तो आप जानते हैं कि इसको हम जो बताए थे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होता है, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो सबसे आसान है, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो आपके पास ऑप्शन दिया गया है। देखिए कहता है एक है, दो है, तीन है या चार है।
तो आपका जो प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया गया था वो प्रकाश के परावर्तन का नियम दो बताया गया था। कितना बताया गया था? दो। आपका इसका आंसर जो होगा बी नंबर को हम लोग लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे, बी हमारा हम लोग का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया था बी। चलिए अगला क्वेश्चन पुनः आता है, देखिए क्या है क्वेश्चन। इस प्रकार से है कि नौवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नौ नंबर का क्वेश्चन में कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हाँ ध्यान दीजिएगा कि बड़ा प्रतिबिंब किस में बन सकता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी आप तो बताए थे, क्या बताए थे थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए कि समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर हो जाएगा, आपको बताए थे कि यह याद रखिएगा कि सदैव अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ठीक है। इसी में आपको जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच, ये मान लिया जाए मेरे पास फोकस है और ये आपका ध्रुव है, तो इन्हीं के बीच में यदि वस्तु को रखा जाता था तो वह क्या होता था, इसका जो प्रतिबिंब बनता था वो आपका बड़ा बनता था, ठीक है। तो चलिए ये पूछ रहा था कि कहाँ किस दर्पण में बनता है भाई, तो हमने दर्पण तो बता दिए। अगला क्वेश्चन दसवां नंबर है, दसवां नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, इन दोनों का क्या संबंध चल रहा है। कहने का मतलब है कि किसका किसका बीच का कह रहा है, आपके पास एफ और आर के बीच का संबंध पूछा है, तो एफ और आर का जो बीच का संबंध है तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला नंबर जो ऑप्शन है देखिए क्या है, पहला नंबर ऑप्शन में जो आप लोगों को दिया गया है वह ऑप्शन में क्या दिया है कि बता रहा है कि आर जो होगा वह दुगुनी होगी त्रिज्या, पुनः यही बात दोनों एक ही में, दोनों में आर आ रहा है तो ये तो होगा नहीं। ये बता रहा है एफ़ जो होगा आर के बराबर होगा, ये होगा ही नहीं। ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र की आधी होगी, ये तो होगा नहीं। तो आपके पास लास्ट एक ही बचा है, वो कौन है, वो बचा है डी नंबर। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका सही आंसर होगा कि फोकस जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन का क्रम हम लोग बढ़ करके टोटल 11 नंबर पर आ चुके हैं। देखिए 11 नंबर में हम लोग का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि सर्च लाइट का परावर्तक पृष्ठ, सर्च लाइट जो कि साइंटिस्ट अब इसका प्रयोग करते हैं सर्च लाइट, तो आप जानते हैं कि सर्च लाइट का जो होता है जो खोजबीन होता है वह उसमें क्या हो, कौन सा उसका सतह जो होता है वह किस चीज़ का सतह होता है सर्च लाइट में, तो आप बताइएगा इसका कमेंट में, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास में इनके बारे में बताया गया था। कुछ ज़रूर क्वेश्चन है जो है आपके पर छोड़ेंगे जो कि आप अच्छे ढंग से इसको बता पाएंगे। ओके तो चलते हैं आगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए हम आप पर छोड़ दिए। चलिए अब आता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है जिसको हजामती दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है। हजामती दर्पण कौन सा दर्पण है भाई, हजामती दर्पण जो कि नाई सब प्रयोग करते हैं, तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि क्या बता रहा है, कह रहा है कि हम लोग का कि यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। तो आपको बताए थे कि सी होगा इनका करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण, ठीक। चलिए क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो हम लोग आते हैं 13 नंबर में, 13 नंबर में जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है,
13 नंबर में हमसे पूछा है कि दर्पण का सूत्र बता दीजिए आप, दर्पण सूत्र बताना है। तो दर्पण सूत्र जो कि न्यूमेरिकल आप लोग बना रहे होंगे, न्यूमेरिकल बनाने के क्रम में आपके पास इस प्रकार का सूत्र जो है आपके बीच आया होगा बहुत बार, जो कि हम लोग का ऑप्शन में दिया गया है। देखिए क्या है, कहता है पहला कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये बिल्कुल गलत है हम लोग का, ये तो नहीं है भाई, ये नहीं है। दूसरा कह रहा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, हाँ ये लग रहा है हम लोग का सही है। तीसरा नंबर कह रहा है ये आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर था वो करेक्ट आंसर बी था, बी हम लोग का सही जवाब है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन का अगला क्रम में क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी बनाता है। तो आपको पता है आभासी मतलब यहाँ क्या है, सीधा बनाता है। तो सीधा बनाने का जो बात है वह किस में बनाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन में, आप ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे तो समतल में, हाँ अवतल में नहीं, इसमें उत्तल में। देखिए कि आभासी कहने का मतलब ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको पता है कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण दोनों दर्पण में ठीक है, समतल तथा उत्तल में दोनों में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए प्रश्न का जो क्रम है वो अगला है, 15वां नंबर प्रश्न है। 15 नंबर में प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न है इस प्रकार से कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होती है, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना है, आपके बीच ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखिए क्या है, पहला नंबर वास्तविक, दूसरा नंबर वास्तविक और सीधा, और तीसरा जो है वास्तविक और उल्टा, और चौथा है आभासी तथा बराबर। तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे कि हाँ इसमें जो बन रहा था आभासी तो बनता है लेकिन वस्तु के बराबर भी बनता है, क्योंकि यू जो होता है उसमें भी के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट है। चलिए प्रश्न का क्रम आगे, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि फोकस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बहुत सुंदर हम लोग को पूछ रहा है कि F जो है वो R के बीच का क्या संबंध है। तो हम क्या कहेंगे, F जो होता है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब आधी होती है तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, आधी होती है, तो A नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला 17 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपके बीच और हम लोग अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि किसी वस्तु का आवर्धन ठीक है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब आवर्धन का मान क्या है बता रहा है, वह काल्पनिक बता रहा है। तो काल्पनिक बताने का मतलब यह चीज़ है कि यहाँ काल्पनिक बताने का मतलब यह हो गया कि आपका जो है प्रतिबिंब जो है क्या बनाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है इनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं, देखिए कि अवतल दर्पण से है या समतल दर्पण से है या उत्तल दर्पण से है या सभी दर्पण से है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का मतलब है कि यह आपका वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा प्रतिबिंब आपका किस दर्पण में बनाता है, तो हम लोग कहेंगे गुरुजी ये तो सीधा वाला बात आता है, तो आपका कहेंगे उत्तल दर्पण में, क्योंकि यहाँ क्या है आवर्धित काल्पनिक बनाता है। ठीक है, तो आवर्धित काल्पनिक बनाने का मतलब है कि यह आपका उत्तल दर्पण में बनेगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन का जो आ रहा है, देखिए किस तरह कितना आसान सब आ रहा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण का अगर हमेशा बात कहा जाए तो आपको बताया गया था कि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें कि आपका सदैव क्या बनाती है, एक नंबर ऑप्शन दिया था वास्तविक और आभासी। अच्छा इसमें वास्तविक पहला दिया, दूसरा में काल्पनिक, तीसरा नंबर में वास्तविक और आवर्धित, और चौथा नंबर में काल्पनिक और आवर्धित। ये आवर्धित ही लिखा होगा, हासित लिखा गया है, ठीक है, ये आवर्धित ही है। चलिए तो इनका जो जवाब सही होगा कि अब उत्तल का है तो ये सदैव इसमें आपको बताना है कि काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है 19 नंबर में जो हम लोग का क्वेश्चन है वो कह रहा ईट है, ईट क्या है, तो ईट पारदर्शी है, कहेंगे नहीं पारदर्शी नहीं है। तब आपका क्या है ऑप्शन, दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वह कह रहा है क्या अपारदर्शी है, तो कहेंगे यस अपारदर्शी है, पारभासी है नहीं, कोई नहीं, तो इसमें तो कोई एक टू है, तो वह आपका क्या है, तो आप कहेंगे इसमें आपका अपारदर्शी है, अपारदर्शी ईट आपका क्या है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है कि इससे हम किसी वस्तु को आर पार दिखाई नहीं दे सकता है, तो ये अपारदर्शी के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चनों का जो क्रम है आगे लेते हैं, हमारी आँख जो देख सकती है वह वस्तु हो सकता है, हमारी आँख किस वस्तुओं को देख सकती है ये आपको बताना है, दीप्त वाली वस्तु को, ओदीप्त वाली को, यह दीप्त या ओदीप्त दोनों को, दीप्त या प्रतिदीप्त दोनों को, या कोई नहीं। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि कौन सी वस्तु को देख पाते हैं भाई, हम लोग दोनों वस्तु को देख पाते हैं जिसमें स्वयं प्रकाश हो या नहीं, या उस पर वस्तु आ उस पर प्रकाश आ रही हो और उससे हमारी आँख तक पहुँच जाए, हम उस वस्तु को देख सकते हैं, चाहे वह प्रकाश उत्पन्न करे या ना करे, हम उस वस्तु को देख सकते हैं। क्वेश्चनों का क्रम अगला आता है 21 नंबर प्रश्न। प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दर्पण की ओर चलता आ रहा है। तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न को कि अगर दर्पण की ओर कोई आता है तो याद रखिएगा कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा उसका दो गुना हो जाएगा, जितना वेग से उसका आएगा उसका दो गुना हो जाएगा, तो 2 × 3 तो कितना हो गया, 2 × 3 = 6, तो 6 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे प्रश्न हम लोग ले चलते हैं, प्रश्न का क्रम है इस प्रकार से, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बताने का यहाँ जो है संयुग्मी फोकस हो सकता है, संयुग्मी फोकस जो होता है वो सिर्फ आपको याद रखना है, वो सदैव आपका ऑप्शन के अनुसार जो दिया गया है हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑप्शन में उत्तल दर्पण दे दिया है, अवतल दे दिया है, समतल दे दिया है और एक साधारण सा कांच में, तो आप जो बताएंगे यह जो घटना घटती है आप बताएंगे इसका आंसर होगा वह सदैव अवतल दर्पण में, सदैव अवतल दर्पण में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की संख्या 23 नंबर पे, 23 नंबर में जैसे आते हैं तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका वक्रता त्रिज्या बताना है, वक्रता त्रिज्या, तो हम लोग तो जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि इन दोनों का जो बीच का संबंध होता है F जो होता है वो आपका क्या होता है, F जो होता है वह फोकस वक्रता त्रिज्या की R की आधी होती है, तो आपको क्या दिया है, फोकस का ही मान दे दिया है, तो फोकस का मान कितना दिया है 20, तो इसका दो गुना हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, मतलब R हो जाएगा आपका
तो कितना हो जाएगा, 20 × 40, तो कहेंगे कि 40 होगा इसका, वो भी धनात्मक में। तो आपका जो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन आपका है उस तरह का जो ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन दिया है आपका डी में। आपका करेक्ट एक्शन आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न का जो क्रम है, हम लोग बढ़ करके कहाँ आ गए हैं, बढ़ करके प्रश्नों की संख्या आ गई है 24 नंबर पर। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो यह घटना, तो सीधी सी बात आपको पता चल गया होगा कि यह घटना एक ही ऐसा दर्पण है, वह कौन सा है, वो आपका जो ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में ये समतल में, अवतल में, उत्तल में, या समतल उत्तल दोनों में। तो आपको बताना होगा कि इसका जो आंसर होगा गुरुजी, इसका आंसर होगा ये अवतल दर्पण का घटना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न क्या है, प्रश्न की जो क्रम है, हम लोग 25 आगे हैं। 25 नंबर में देखिए क्या है, 25 नंबर में क्वेश्चन है कि किस दर्पण के सामने आप चाहें जितना दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। तो इस तरह का जो घटना घटता है सीधा, तो आप कहते हैं जैसे कि आपको पता है, लेकिन तब भी ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन में देखिए, केवल समतल में, केवल अवतल में, या तो केवल उत्तल में, या समतल अवतल दोनों में। तो आपको कारक चाहे कितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। तो आप एकदम आराम से मारिएगा, क्योंकि ये दोनों घटना जो है दोनों दर्पण में होता है, समतल में भी और उत्तल में। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करेंगे। चलिए डी हम लोग का इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न है आगे, 26 नंबर में है। देखिए क्या है, प्रश्न आ रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, सदैव सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। हाँ, तो किसी वस्तु का दर्पण के सम्मुख मतलब उसके फोकस के करीब का बात है, तो यह घटना आपका किस दर्पण में बनाता है, सदैव सीधा। तो जैसे सदैव सीधा वाला बात आ गया, तो सदैव सीधा तो आपका एक ही दर्पण है, वो आपका क्या है, बी। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर दें। ठीक है, चलिए प्रश्न का क्रम आगे जो जाता है, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न इस प्रकार से है, और इनकी क्रम जो प्रश्नों की टोटल संख्या जो है, हम लोग 27 में आ गए हैं। 27 में देखिए क्या है क्वेश्चन, 27 में क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। बार बार बताया जा रहा है कि उत्तल दर्पण जो है सदैव आपका वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है सदैव बनाता है, कहाँ बनाती है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन को देखिए गौर से कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनाती है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनाती है, या ध्रुव तथा फोकस के बीच बनाती है, या कहीं भी बना देती है। तो दर्पण तो आपको पता ही है कि यह सदैव जो बनाता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ऐसा तो आप सोचिए थोड़ा सा कि ये बात कहाँ क्या कह रहा है, सही है। दूसरा नंबर देखिए क्या है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ये कहाँ तक सही है, ये भी सोचिए। ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये देखिए कहाँ तक सत्य है। तो और ये है कहीं भी, तो हम लोग का जो आंसर है, क्योंकि मैंने अवतल का मैंने बताया था, ये घटना होता है ध्रुव तथा फोकस के बीच, इसकी घटना
घटते रहती है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर दें, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। चलिए अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न की संख्या 28 है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, जब वह प्रकाश को क्या करती है। देखते हैं ऑप्शन का था, अवशोषित कर लेती है या परावर्तित करती है या अपवर्तित करती है या परावर्तित और अपवर्तित दोनों कर लेती है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद वह जब तक कि लौट कर हमारी आँख तक ना आ जाए तब हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं, अर्थात उसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या कर लेंगे, टच करके सही आंसर को हम लोग जानेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, वास्तविक मतलब उल्टा। चलिए तो आपका ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर एक समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल तथा अवतल दोनों में या सभी दर्पण में। ये कह रहा है कि प्रतिबिंब नहीं बनाती है, तो हाँ ध्यान दीजिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सटीक आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का जो क्रम है देखिए क्या है, प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है हम लोग को कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है। अवतल दर्पण के फोकस से, अवतल दर्पण का आपका फोकस कह रहा है, ठीक है ये आपका फोकस है, ये कह रहा है चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है। तो आप कहेंगे आपका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखिए क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है या प्रधान अक्ष के लंबवत जाती है या ध्रुव से गुजरती है या वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो हम तो जानते हैं कि ये क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट मानेंगे। चलिए इस प्रकार से प्रश्न का जो सिलसिला है हम लोग 30 पार कर चुके हैं। आज भी प्रश्नों की संख्या हम लोग का 50 ही होंगे, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है इस प्रकार से कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, नहीं उतार सकते हैं क्योंकि यह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आप कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, ऑप्शन नंबर आप डायरेक्ट बी को टच करेंगे, बी ऑप्शन नंबर बी को टच करेंगे, आपका जो बी हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है आप कहेंगे बी गुरुजी, इसका बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहे हैं कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना डिग्री का है। चलिए थोड़ा सा मदद यहाँ से देखिए कि क्या है, ये आपका समतल दर्पण है और इसी पर ये किरण आया और ऐसे चला गया और यहाँ कहने का मतलब है हमको बता रहा है ये इतना का मान दिया है 60 डिग्री, तो आप जानते हैं कि ये इतना 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री से आपतित हुआ है तो कितना डिग्री, 30 डिग्री से ही परावर्तित होगा। ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो आपका जो आंसर है वो आपका सामने में दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन को टच करेंगे। चलिए बहुत सुंदर आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए प्रश्न की जो क्रम है हम लोग 32 में हैं, देखिए 32 तो हो गया ना, 33 में है हम लोग, प्रश्न का जो क्रम है 33 नंबर पर आ गए हैं। देखिए 33 नंबर में क्या है प्रश्न, कहता है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप कहेंगे यह
कैसा होता है? ऑप्शन तो दिया गया है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है। तो हम सीधी सी बात कहेंगे, गुरुजी इसका जो आंसर होगा वह आभासी बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टच कर लें, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, जो है क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाए गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। बहुत सुंदर है, यह आपको सिर्फ स्थिति पूछा है तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि यह घटना तभी घटता है जब वह फोकस और ध्रुव के बीच होती है, फोकस और ध्रुव के बीच होती है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि यह कहाँ होगा सर, यह आपका आंसर जो हो जाएगा फोकस और ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टच कर लें, डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का आता है, अगला प्रश्न देखिए 35 में क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में आपको मिल सकता है। ऑप्शन तो दिया गया है, ऑप्शन देखिए क्या है, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं, इनका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है आपको। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न का क्रम हम लोग 36 पे आ गए हैं। देखिए 36 नंबर में क्या है, 36 नंबर में जो क्वेश्चन है उसको देखिए, कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल में सदैव आप जानते हैं कि सीधा बनाती है, कैसी बनाती है, सीधा, सदैव हमेशा सीधा बनाता है, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए प्रश्न अगला आता है 37 नंबर पे हम लोग आते हैं, कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना होगा, ये अवतल दर्पण में। तो एकदम बहुत सटीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर अभी जस्ट इसके पहले हम लोग बनाए थे कि वह वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, वह वस्तु आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम लोग डी पे, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न के क्रम 38 पर आते हैं, 38 में देखिए प्रश्न क्या है, 38 में कहता है कि गोलीय दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धित ऋणात्मक हो, ऋणात्मक है तो आप कहेंगे ऋणात्मक अगर हो रही है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो हम लोग का जो आंसर है ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन दिया गया है तो आप कहेंगे उल्टा बनाएगा, क्या बनाएगा, उल्टा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग ए को सही मानेंगे। चलिए प्रश्न का क्रम अगला आता है 38 नंबर में, देखिए प्रश्न क्या है, 38 नंबर में प्रश्न की जो संख्या है, क्वेश्चन है, साइड मिरर, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वह किस रूप में लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है। तो देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलती हो चुका है क्योंकि इसमें मिरर नहीं दे करके लेंस दे दिया है, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, लेंस नहीं होता है, वो दर्पण होता है, वह दर्पण कौन सा होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो आपका ए है, बसरते यहाँ लेंस नहीं लगा करके दर्पण होगा, क्या होगा, दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, आता है क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, 40 नंबर प्रश्न में है कि सोलर कुकर का प्रयोग में कौन सा दर्पण का यूज होता है। तो आपको बताया गया था सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, आपके पास जो और बाकी का ऑप्शन है वो आपका गलत है। चलिए बहुत सुंदर 40 नंबर हम लोग समझ सके होंगे। अब आता है 41, सर्च लाइट, आपको बताए थे इसका क्वेश्चन आया था आपके पहले भी, सर्च लाइट का आप कमेंट कीजिएगा कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। ओके तो चलते हैं, 41 नंबर भी आपको छोड़ दिया गया क्योंकि आप इसका कमेंट जरूर करेंगे।
क्वेश्चनों का जो क्रम है वह 42 में है। हम लोग देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन भी दिया गया है, सीधा, टेढ़ा, किसी भी दिशा में या उपयुक्त में से सभी। तो आपका सदैव बताया गया था कि वह हम लोग का कैसा जाता है भाई, सीधा लाइनियर जाता है, किरण जो है वह सदैव सीधी गमन करती है। ठीक है, तो हम लोग का 42 भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार से, ये क्वेश्चन आपको दो बार पूछ लिया, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका है, तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन, विद्युत तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, प्रावैगनीय तरंग का या परास्रव तरंग का। तो आप कहेंगे गुरुजी तो आपने इससे पहले भी बताया था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिव वेव है, नहीं EMV के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न है, क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक मतलब होता है आपका सीधा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, देखिए क्या है ऑप्शन नंबर में जो दिया गया है सीधा ए नंबर में, तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर आप लोग समझ पा रहे होंगे, हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे ढंग से और पूरा वीडियो वाचिंग करेंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे और जान पाएंगे, और अपने सहपाठी जो भी आपके वर्ग में हैं, जो आपको समझ पाता है कि आप पढ़ते हैं, तो आपके पढ़े हुए जो भी है आपके सगी संबंधित में, उस तक वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न इस प्रकार है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है, मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होता है, भी वाय यू जो होता है वह दोनों बराबर ही होता है, इसलिए इसका मान एक होता है, वह एक के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वह एक के बराबर, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होंगे। चलिए प्रश्न जो है आगे जो है देखते हैं हम लोग, प्रश्न का जो क्रम है 46 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। क्या कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रावर्तक सतह पर लंबवत पड़ने वाली, नहीं उत्तल दर्पण में प्रावर्तक सतह पर लंबवत गिरने वाली फोकस क्या होती है, तो आपके पास देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन है कि अभिसारित होती है, अपसारित होती है, समानांतर होती है, या आपको बताया गया है कि वह अपसारित होती है, तो इनका जो करेक्ट आंसर होंगे वह अपसारित होती है, क्या होती है, अपसारित होती है। चलिए बहुत सुंदर, प्रश्न की संख्या हम लोग 47 पे आ गए हैं और बहुत हम लोग के पास बहुत कम प्रश्न बचे हैं, गौर से देखिए थोड़ा, गोलीय दर्पण के प्रावर्तन के नियम हो, नियम का पालन क्या करती है, पालन करती है कि नहीं करती है, तो हम कहेंगे गुरुजी पालन तो ज़रूर करती है, तो हम कहेंगे यहाँ लिखा है नहीं, इसमें लिखा है होता है, इसमें लिखा है दर्पण के प्रकृति पर अनुसार या वह अपसारित करती है, तो हम लोग तो जानते हैं भाई क्या करती है, ये बिना नियम का नहीं चलता है, तो हम लोग कहेंगे गुरुजी इनका जो आंसर होगा इसको बी, इसका जो आंसर होगा सटीक वह बी होगा इसका आंसर। चलिए बहुत सुंदर, बी इसका होगा सटीक। चलिए 48 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं, प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न जो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के दूरियों को सदैव मापते हैं, कहाँ से नापते हैं गोलीय दर्पण की, आप ध्रुव से, फोकस से, वक्रता केंद्र से, कि किसी भी नियम या किसी भी नियत बिंदु से, तो हम लोग कहते हैं जब इनका न्यूमेरिकल बना रहे थे तो वह सदैव आप लोग जानते हैं ध्रुव से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इनका पूरा सटीक होगा, ध्रुव से सारी दूरियां जो मापी जाती है इनके ध्रुव से मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आता है हम लोग के पास 49 नंबर, बहुत सुंदर, देखिए क्या कहता है कि अनंत पर स्थित
किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो सीधी सी बात है, वो आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो हम उसको क्या कह देते हैं डायरेक्टली कि उसका जो मान होगा वह जीरो होगा, आवर्धन का जो मान होगा वो आपका जीरो होगा। ओके, तो आपका बाकी जो रहा वो नहीं होगा। चलिए प्रश्न जो है आगे देखिए क्या है, लास्ट नंबर प्रश्न है जो कि आपका बहुत बहुत समय दिया आपने इस वीडियो को देखने के लिए। देखिए क्या है, प्रश्न है कि मोटर गाड़ी जो कि आप लोग वाहनों को जानते हैं, जो कि सड़क पर चलती है नहीं, और जहाँ भी चलती है, अगर पाछे वाले भाग को देखना है तो आप कहेंगे कि उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, समतल का, या तो फिर उत्तल दर्पण का, या अवतल का, या एक पतला लेंस का। तो कहेंगे इसमें जो होता है पाछे वाले भाग को देखने के लिए एक उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों तक मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगा है आप लोग तक इस वीडियो को पहुंचाने में। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार रहा मेरे इस वीडियो को देखने में, समझने में, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। और जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उस छात्र छात्राओं तक ज़रूर जा सके यह मेरा वीडियो। तो मैं कहूँगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का यह चैप्टर का जो और कुछ बचा हुआ है वो आपको एक दिन और आपका वीडियो में मैं इस चैप्टर का बनाऊंगा, ठीक है। आज का जो वीडियो रहा मेरा यहीं तक रहा। आप लोग एक अच्छे छात्र छात्राएं हैं और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का बहुत ज़्यादा तक समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। आज का जो यह वीडियो रहा यहीं पर समाप्त होती है। सिकंदर सर का प्यार भरा क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद आप लोग का।